بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you students? Hope you all are fine. Students, have you learned the list of forms of verb? Forms of verb की पूरी लिस्ट याद कर लिया आप लोगों ने? Yes. ओके ठीक है, मैं वन बाय वन आप दोनों से सुनती हूँ. सारा आपने याद कर ली ना? जी मैम, की तो है बट पूरा नहीं कर सकती। ठीक है. ओके फर्स्ट मरियम, अनम्यूट योर माइक. योर फर्स्ट फॉर्म इज खाना. Eat, ate, eaten. महसूस करना. Feel, felt, felt. ओके ढूंढना या तलाश करना. Find, found, found. माफ करना. Forgive, forgive, forgiven. बढ़ना क्या? बढ़ना बढ़ना. बढ़ना, बढ़ने को कहते हैं ग्रो. ग्रो, ग्रीव, यस. नेक्स्ट इज लटकाना. ग्रोन, हंग. ओके ओके गुड मरियम. सारा अनम्यूट योर माइक. योर फर्स्ट वर्ड इज आना. खाना, गम, एम, ओके चलाना. चलाना, ट्राई, ग्रो और ड्राइविंग, ओके नेक्स्ट इज लर्नर. पता है कि सबसे पहले तो आप लोग के पास बाइट, अगर आप लोग एक फोर्ट नहीं कहेंगे इसको, फाउट कहेंगे. अच्छा सारा आप थोड़ा सा लाउड बोल रहे हैं, आपके पीछे से भी कुछ आवाज आ रही है. ओके नेक्स्ट इज देना. सॉरी क्या बोला? सारा मैंने बोला था आपको देना. गिवन, ओके नेक्स्ट इज जाना. जाना, ओके गो, नेक्स्ट इज बनाना. मेड, भागना. छोड़ना. छोड़ना, जी नो नो लीव, नहीं नहीं एक मिनट रुके. मैंने आपसे बोला भागना. नहीं सॉरी, भागना तो हो गया था. क्या बढ़ना, बोला था मैंने? छोड़ना बोला था. छोड़ना. छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, जी नेक्स्ट इज काम करना. काम करना, वर्क, 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 दौरा करना. विजिट, विजिटेड, विजिटेड. ओके ओके गुड सारा.
म्यूट योर ओके माइक. थैंक यू। यू आर वेलकम. ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो याद हो गए. 2 मिनट रुकने, फिर अपनी क्लास आगे की हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कौन से वोकैबुलरीज दी थी? स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कौन से वोकैबुलरीज दी थी? Hope all are fine, dear student. So first of all, welcome to all of you. House chores vocabulary. Okay, house chores vocabulary. Okay, Mariam, mute your mic. पहले तो मैं house chores vocabulary सुन लेती हूँ, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, योर फर्स्ट वर्ड इज कपड़े लटकाना. सॉरी, ओके, नेक्स्ट इज बिस्तर लगाना. ओके, टेबल से चीजें उठान. थोड़ा सा लाउड बोलिएगा. क्लियर द टेबल. ओके, नेक्स्ट इज बर्तन धोना. वॉश द डिशेस. ओके, वेट अ मिनट. नेक्स्ट इज वैक्यूम करना. वैक्यूम. ओके, खाने की अशिया खरीदना. शॉप द ग्रोसरी. ओके, बच्चे को नहलाना. ओके, गुड मरिया. नेक्स्ट सारा. योर फर्स्ट वर्ड इज कचरा जमा करना. ओके, नेक्स्ट इज खिड़कियां साफ करना. विंडोज. रात का खाना बनाना. रात का खाना बनाना. मेक द डिनर. बाथरूम साफ करना. क्लीन बाथरूम. ओके, नेक्स्ट इज चटाई को रगड़ कर साफ करना. बीट द रग.
ओके, झाड़ू, नाश्ता झाड़ू बनाना। देना, बस झाड़ू बताना नहीं था। मैं, जी जी मैंने सिर्फ झाड़ू का पूछा था, झाड़ू का क्या होगा। मेक द ब्रेकफास्ट। ओके, पत्ते इकट्ठे करना। रेक, रेक पड़ेंगे ना, रेक द लीफ। जी 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 रेक पड़ेंगे। ठीक है, गुड सारा। ओके स्टूडेंट, लेट स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो याद हो चुके हैं, तो हम जो है अब अपना आगे जो टॉपिक हमारा टेंसेस का है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज से। हियर इज द स्क्रीन। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन आ रही है नजर? ठीक है, मेरे पास, मैं एक मिनट दोबारा से शेयर करती हूँ। हो गई, चल ठीक है। तो टेंसेस टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारे कोर्स का सबसे ज्यादा मेन टॉपिक, सबसे ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक है। तो टेंसेस का मतलब क्या होता है? देखिए, टेंसेस का मतलब होता है उर्दू में जमाना। इसकी डेफिनेशन है, टेंस इज अ ग्रामर टर्म यूज्ड टू इंडिकेट वेदर अ सेंटेंस और वर्ब इज एन एक्शन इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। मतलब टेंसेस जो है वो एक जमाने को कहते हैं, और टेंस वो होता है कि जो जुमला हमारे जो हमारे पास सेंटेंस होता है वो हमें हमें कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट में बोला गया है या प्रेजेंट में बोला गया है या फ्यूचर में बोला गया है। या फिर हम ये कह सकते हैं जब ये अल्फाज किसी ने अदा किए हैं वो पास्ट में किए हैं, प्रेजेंट में किए हैं या फ्यूचर में किए हैं, ये हमें ऐसे पता चलेगा जब हम टेंसेस को पढ़ लेंगे अच्छे से। टाइप्स ऑफ टेंसेस, मतलब टेंसेस के जो टाइप्स हैं एग्जाम है वो कितने हैं? टेंसेस के थ्री टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम उर्दू में कहते हैं जमाना हाल, पास्ट टेंस को हम कहते हैं जमाना माजी, और फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं जमाना मुस्तकबिल। अब सबसे पहले हम इसमें जो भी टेंस पढ़ेंगे वो डिटेल्ड टॉपिक होगा, हर एक टेंस को हम अच्छे से करेंगे और हर एक टेंस की टाइप को उसके अंदर भी, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी इसकी टाइप्स हैं, तो उनको भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम अपना पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की टाइप्स देखें। अच्छा, प्रेजेंट टेंस की जो एक सिंपल सी और उर्दू में जो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं वो ये है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जमाना हाल, वो जमाना जो अभी चल रहा है उसको जमाना हाल कहेंगे। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम है अभी हमारा। तो टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की टाइप्स देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के फोर टाइप्स हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हर एक टेंस की टाइप को हम अच्छे से देखेंगे, मतलब प्रेजेंट टेंस की जितनी भी टाइप्स हैं इनको हम अच्छे से देखेंगे, इनकी हर एक एक चीज को हम बहुत गौर से देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट पूरा जो टेंसेस का हमारा टॉपिक जाता है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ इसमें इतना बड़ा जो कहते हैं ना, क्या कहना चाहिए उसे, खैर
मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है इसको, जितना हम आसान समझेंगे उतना ही हमें आसान लगेगा, अगर हम इसको मुश्किल समझेंगे तो हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जाएगा, तो हम इसको इजी समझेंगे ताकि हमारे लिए इसको कवर करना आसान हो जाए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उर्दू में हमारे पास कुछ आइडेंटिफिकेशन होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इंग्लिश में उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होंगी वो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी इंग्लिश में क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकती हैं। तो जब हमारे पास उर्दू में कोई जुमला लिखा हुआ होता है तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, उसके निशानी ये है कि उर्दू सेंटेंस के लास्ट में जो है ना वो ता हूँ ती हूँ ते हैं या ता है ती है, ये सारे ऐसे वर्ड्स आ रहे होते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन है हमारी उर्दू की सिंपल प्रेजेंट टेंस की। फॉर एग्जाम्पल वो कपड़े धोती है, अब धोती है में ये ती है जो है ना, ती है जो है हमारे पास आ रहा है, इसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब इस सेंटेंस से हमें पता चल जाता है कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है मैं स्कूल जाता हूँ, तो ता हूँ जो है वो ये है हमारी आइडेंटिफिकेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हम कराची में रहते हैं, तो ते हैं हमारे पास जो है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन आ गया, तो हमें इससे पता चल गया कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपको असल याद करनी पड़ेंगी कि आइडेंटिफिकेशन मतलब कौन से टेंस की कौन सी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको बताती हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट द पर्सन हु वर्क्स मतलब काम करने वाला, वर्ब इज एन एक्शन मतलब कोई भी काम कोई भी अमल, और ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन मतलब जिस चीज पर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है वो कपड़े धोती है, वो कपड़े धोती है। अब इस सेंटेंस में जो है हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है वो लड़की जो है ना हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, सेलेक्ट नहीं हो रहा, हमारे पास वो सब्जेक्ट हो गया। कपड़े क्या हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, और धोना हमारे पास क्या हो गया वर्ब हो गया, मतलब वो जो है लड़की वो काम कर रही है कपड़े, वो कौन सा काम कर रही है वो धो रही है, तो धोना हमारे पास हो गया वर्ब, और क्या चीज धो रही है वो धो रही है कपड़े, तो कपड़े हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा अब एक चीज ये देख लेते हैं हम कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इनके लिए कौन कौन से प्रोनाउंस यूज होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, अब जो बात करने वाला है वो दो वर्ड्स यूज करेगा, या तो वो कहेगा मैं या तो वो कहेगा हम, अगर वो ज्यादा है तो वो कहेंगे हम, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बात करने वाला होता है, इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बात करने वाला होता है, और बात करने वाला सिर्फ दो प्रोनाउंस यूज करेगा मतलब दो जमीर यूज करेगा, आई और वी यानी मैं और हम, वो बस यही दो प्रोनाउंस यूज करेगा जो बात कर रहा है। सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही है, जो हमारे सामने मौजूद होता है। अब जो भी बात करने वाला है वो सब सामने वाले से बात करेगा, तो वो उसको एक ही वर्ड बोलेगा, एक ही जमीर बोलेगा, एक ही प्रोनाउन उसके साथ यूज करेगा, वो होगा तुम, ठीक है। तुम होगा या आप होगा, तो तुम आप तू इन सारे वर्ड्स के लिए एक ही प्रोनाउन यूज होता है और वो होता है यू। थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, और थर्ड पर्सन जिसके मुतालिक या जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जिसके बारे में भी हम बात करेंगे वो या तो एक लड़का होगा या एक लड़की होगी, या बहुत सारे लोग होंगे, या फिर वो कोई चीज या कोई जानवर होगा, ठीक है। तो लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, कोई भी चीज नॉन लिविंग थिंग के लिए जो है वह हम इट यूज करेंगे, और जब बहुत ज्यादा लोग होंगे तो उनके लिए हम दे यूज करेंगे। एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स।
ओके हमारी जो आप लोग की मतलब एक जो क्लास फेलो है यमुना, उनके साथ उनका पता नहीं क्यों मीटिंग ज्वाइन ही नहीं हो रही है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। चले नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ठीक है जी, आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करने वाला होता है, मतलब आई या वी। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है, मींस यू। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, मींस ही शी इट या दे। उसके लिए प्रोनाउंस जो यूज होता है वो ही शी इट या दे होता है। अच्छा, अब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, जैसे वो था ना गो, कम, ये जो फर्स्ट फॉर्म थे हमारे, प्रेजेंट फॉर्म थे जो हमारे, वो लगेंगी इसमें। फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो वो किस किन मतलब प्रोनाउंस के साथ लगेगी, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल हमारे पास आ रहा होगा प्रोनाउन या सब्जेक्ट। कोई भी हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल में आ रहा होगा तो उसके साथ हमारे वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इस सेंटेंस में एस या ई एस का एडिशन करते हैं। तो एस या ई एस जो है वो हम किस किन मतलब सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, ही, शी, इट, नेम या हमारा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट या वर्ब अभी सॉरी ऑब्जेक्ट पे अभी तक हम नहीं गए। तो सब्जेक्ट हमारा ही शी इट नेम या सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ एस और ई एस का एडिशन हो जाएगा। अब मुझे बताएं मरियम और सारा कि आप लोगों को यहाँ तक बात सारी क्लियर हो चुकी है प्रेजेंट टेंस की, मुझे चैट में बता दीजिएगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सारा, आप कुछ पूछ रही थी सारा। मैम आप आवाज नहीं आ रही थी आपकी। नहीं, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था ना, क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया? जी हो गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखें हमारे पास सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूँ। से हमें पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है मैं, मतलब सिंगुलर है, मतलब हमारे पास सॉरी सिंगुलर नहीं कहेंगे हम इसको, मतलब हमारे पास जो प्रोनाउन है इसका वो होगा आई। ठीक है, अब स्कूल हमारे वो सॉरी जाता हूँ हमारे पास वर्ब आ गया। तो जब आई के साथ हमने अभी ऊपर देखा कि वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ई एस नहीं लगेगा, तो हम आई के साथ जाने को हम गो कहते हैं। तो आई के साथ हमारे पास गो आ गया, टू स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, तो स्कूल, आई गो टू स्कूल। अच्छा, सेंटेंस बनाते हुए ना आप को अगर मतलब कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास उर्दू सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप पहले उसकी ट्रांसलेशन उसके ऊपर लिख लें कि जैसे मैं को क्या कहते हैं, स्कूल को क्या कहते हैं, जाने को क्या कहते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख लें। उसके बाद फिर जो भी चीजें अप्लाई होनी हो उस सेंटेंस में
फिर जो भी है उसके साथ सारे एडिशन होनी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फिर उसके साथ एस ई एस लगना है या नहीं लगना, तो उसके साथ है आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। सेकेंड हमारे पास सेंटेंस है, हम कराची में रहते हैं, ते हैं हम से हमें पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वी लिव इन कराची, हमको वी कहते हैं तो वी के साथ हमारे पास सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इन कराची। वो क्रिकेट खेलता है, अब यहाँ पे आ गया खेलता है, ताहे से हमें पता सिंपल प्रेजेंट टेंस है और खेलता है मींस वो, मतलब यहाँ पे वो के लिए हम जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा ही, तो ही आ गया, आ गया हमारे पास, तो ही के साथ हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का हमने एडिशन करना, तो ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है जी, अब देखें हमने, आपको याद होगा कि हमने सेंटेंसेस की टाइप्स पढ़ी थी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। हमने उसकी प्रैक्टिस इसलिए नहीं की थी क्योंकि हमने टेंसेस के अंदर उसकी प्रैक्टिस करनी थी। अब हमने जो ये सेंटेंस बनाया है, आई गो टू स्कूल, वी लिव इन कराची, ही प्लेस क्रिकेट, ये हमारा कौन सा सेंटेंस की टाइप है? ये आप लोग मुझे चैट में बताइएगा, सेंटेंस कौन से सेंटेंस की ये टाइप है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, कौन सा सेंटेंस है हमारा यह? अफर्मेटिव जी सारा, जी सारा, ये कौन सी टाइप है हमारे सेंटेंस की? जी है। बिल्कुल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये अफर्मेटिव तो हमारे पास आ गया, अब हमने इसका बनाना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब उसका पैटर्न क्या होगा हम यहाँ पे वो देख लेते हैं, इनकी सारी सीक्वेंसेस हम देख लेते हैं, पैटर्न के लिए सीक्वेंस कहने एक ही चीज है। तो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, मतलब वो सेंटेंस जो अभी हमने पढ़ा वो हम, उसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी हमारी सीक्वेंस होगी। अच्छा, एस ई एस मैंने यहाँ पे एड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो हमारे टेंस के अंदर की बात है ना, कि सब्जेक्ट हमारा जैसा होगा वैसे हमारी फॉर्म, मतलब वर्ब के साथ जो हमारा एस आर या ई एस एडिशन होगा या नहीं वो तो फिर उसके बाद की बात है, वो हमने अलग से। यहाँ पे सिर्फ पैटर्न आपके पास है कि सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा वो फिर वो भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि ये हमारा सवालिया जुमला है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हमारे सेंटेंस में, हमारे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब दो हैं, डू और डस। लेकिन एक बात बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग, कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगेंगे, ये लगेंगे सिर्फ नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव जो सेंटेंस मैंने अभी आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का जिक्र भी नहीं किया था, ये हेल्पिंग वर्ब हमारे लगेंगे नेगेटिव सेंटेंस से, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जब सब्जेक्ट था आई वी यू दे प्लूरल, तो उसके साथ लगनी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो उसके साथ हमारे पास लगेगा हेल्पिंग वर्ब डू,
और जब हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा ही शी इट नेम या सिंगुलर, तो उसके साथ हमारे पास लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और उसके साथ हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, तो नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल. ठीक है, अब एक चीज और बताएंगे. अब ये देखें, एक सेंटेंस है हमारे पास शी गोज टू स्कूल. शी गोज टू स्कूल आ गया, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म था हमारे पास गो और उसके साथ ऐड हो गया हमारे पास ई एस. ठीक है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट था यहाँ पे शी. अब जब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाने लगेंगे तो शी हमने लगा दिया सब्जेक्ट, ई एस लगा हुआ था इसलिए हमारे पास लगाया डज, नॉट लगा दिया. फिर यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे जो हमने ई एस या एस ऐड किया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में हम उसको माइनस कर देंगे, वो नहीं लगाएंगे. और इसी तरह से डज शी गो टू स्कूल, डज शी नॉट गो टू स्कूल. अब बताएं ये चीज क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? मैं भी फिर से रिपीट करूंगी ये चीज. जी मरिया मैन सारा, क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज? ओके, मैं भी एंड में दोबारा से पूरा फिर दोबारा रिपीट कर दूंगी ये टेंस. अच्छा, कुछ हम सेंटेंस देख लेते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव और सारे टाइप्स के. हम कराची में रहते हैं, वी लिव इन कराची. हम कराची में नहीं रहते हैं, वी डू नॉट लिव इन कराची. क्या हम कराची में रहते हैं, डू वी लिव इन कराची. क्या हम कराची में नहीं रहते हैं, डू वी नॉट लिव इन कराची. ये सारे हमारे सारे टाइप्स के हो. ये हमारा पूरा टेंस था सिंपल प्रेजेंट. चलें एक बार दोबारा से सिंपल प्रेजेंट टेंस रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस के उर्दू सेंटेंसेस में हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन आएगी वो होगा ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता है या ती है. मीन्स मतलब एग्जाम्पल्स, वो कपड़े धोती है, मैं स्कूल जाता हूँ, हम कराची में रहते हैं. स्टूडेंट्स, पहले हम लोग क्लास रिजॉइन कर लेते हैं बिकॉज क्लास का टाइम बिल्कुल एंड होने वाला है. उसके बाद मैं दोबारा से पूरा रिपीट कर दूंगी आप लोगों के लिए टेंस. ठीक है, क्लास रिजॉइन कर लीजिएगा. ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सिंपल प्रेजेंट टेंस के आइडेंटिफिकेशन जो हमारे उर्दू सेंटेंस में होती है वो होती है ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता है या ती है. फॉर एग्जाम्पल, वो कपड़े धोती है, मैं स्कूल जाता हूँ, हम कराची में रहते हैं. सब्जेक्ट होता है द पर्सन हु वर्क्स, मीन्स काम करने वाला. वर्ब इज एन एक्शन, मतलब कोई भी काम. ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, मतलब जिस चीज पर काम किया जाए उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट इज फर्स्ट पर्सन, मीन्स बात करने वाला. बात करने वाले के लिए दो प्रोनाउंस यूज होते हैं, आई और वी. सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही होती है और उसके लिए प्रोनाउन यूज होता है. सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जा रही होती है और उसके लिए प्रोनाउन यूज होता है यू. थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसके लिए हमारे पास प्रोनाउन यूज होता है ही, शी, इट या दे. तो जब हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, आई, वी, यू, दे या प्लूरल, तो उसके साथ हमारे पास आएगी वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म.
फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा ही शी इट नेम या सिंगुलर, तो उसके साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस और ये एस का एड हमारे पास एडिशन हो जाएगा। सारे सेंटेंसेस के हम एक बार फिर से सीक्वेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये सारे सीक्वेंसेस आपने अपने पास अभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डू और डज, दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। जब हमारे पास सब्जेक्ट आएगा आई वी यू दे प्लूरल, तो उसके साथ हमारे पास आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी तो उसके साथ हमारे पास यूज होगा हेल्पिंग वर्ब डू। इन सेकेंड कंडीशन हमारे पास जब सब्जेक्ट आएगा ही शी इट नेम सिंगुलर, तो हमारे पास उसकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस ई एस का हमारे पास एडिशन हो जाएगा, और उसके साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा डज। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। लेकिन जब हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का एडिशन हो जाएगा, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास डज लग जाएगा और हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म थी उसके आगे से एस या ई एस जो भी हमने एडिशन किया होगा वो माइनस हो जाएगा और वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा शी डज नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डज शी गो टू स्कूल। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डज शी नॉट गो टू स्कूल। हम कराची में रहते हैं, वी लिव इन कराची। हम कराची में नहीं रहते हैं, वी डू नॉट लिव इन कराची। क्या हम कराची में रहते हैं, डू वी लिव इन कराची। क्या हम कराची में नहीं रहते हैं, डू वी नॉट लिव इन कराची। अब आप लोग मुझे बताएं, हाँ तक आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा क्लियर हो चुका है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का। यस मरियम, आंसर में हरी अपली। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात कर रही हैं आप? कुछ जगह होता है कि सब्जेक्ट से पहले ही आ जाता है नॉट। अच्छा मरियम, मैंने गौर किया वो ज्यादा चीजें पूछती हैं जो मतलब इंग्लिश में जो है ना वो एक्चुअल होती है कि नहीं, ये चेंज हो नहीं सकती, ये वैसी ही रहती है। लेकिन अभी हम टेंसेस पढ़ रहे हैं ना, हम बेसिक लेवल पे हैं अभी, और ये जो चीज अभी आपने पूछी है इजेंट वाली, ये तो काफी आगे की जाके चीज आती है ये, और इसमें भी कंडीशंस होती हैं कि किस तरह कौन से सेंटेंस में जो है वो इस तरह से हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन और किस में नहीं पूछ सकते, तो ये तो बहुत आगे की चीज है। ठीक है, अभी हम फिलहाल टेंसेस पे रहते हैं, ठीक है। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का असल होमवर्क स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को रोजाना की बुनियाद पर होमवर्क दिया करूंगी, तो अभी भी तो 2 दिन हमने होमवर्क नहीं लिया कुछ खास, तो अब हमारा होमवर्क असल शुरू हो गया क्योंकि हमारे टेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को सेंटेंसेस दूंगी उर्दू में, आप लोगों को उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, या आप लोगों का होमवर्क मैं आपको बता रही हूँ। ग्रुप में भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को मैं सेंटेंसेस दूंगी उर्दू में, आपने उसको ट्रांसलेट करना होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट के ही फिलहाल मैं आपको दूंगी, और उसके बाद फिर आप लोगों ने उसी सेंटेंसेस को चारों फॉर्म्स में बनाना होगा। मींस अफर्मेटिव में ही बनाना होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सब में बनाना होगा, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है ना, बट बहुत इजी है ना।
आसान सा है इतना, मैम am I right? आसान तो है बट थोड़ा सा आप कम काम दें अगर तो ज्यादा इजी होगा। सिर्फ चंद सेंटेंसेस दूंगी मैं, ठीक जी ठीक है सही है? सिर्फ 10 है, ज्यादा नहीं है। उसके साथ वो होते हैं ना वर्ड्स मीनिंग वगैरह तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर टाइम निकालना। है। अच्छा चलें, एक ठीक है, एक काम कर लेते हैं अभी। फिलहाल मैं आप लोगों को 5 दे दूंगी, लेकिन फिर नेक्स्ट टेंथ के साथ मैं आप लोगों को फिर सिंपल प्रेजेंट के भी दे दूंगी, ठीक जी ठीक है? चलें, इतनी रियायत मैंने कर दी। अच्छा हम अपने वोकेबलरीज कर लेते हैं, आज काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। आज करेंगे हम अपने किचन वोकेबलरीज। ओके, किचन वोकेबलरीज हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ये किचन वोकेबलरीज जो है ना, इसमें सारे हमारे समझ हैं स्पाइसेस के नेम्स हैं ऑलमोस्ट सारे, मतलब हाँ, ये सारे हमारी जो कैटेगरी है किचन वोकेबलरी। किचन वोकेबलरी की सिर्फ ये कैटेगरी नहीं है, बल्कि किचन वोकेबलरी हमारी बहुत बड़ी वोकेबलरीज होती हैं। फिलहाल ये जो है वो हमारी स्पाइसेस नेम है, और ये मैं आपको ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, ठीक है? सिर्फ 2 पेजेस दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमने किचन वोकेबलरी। सिट्रिक एसिड, टार्ट्री, सॉल्ट, नमक, रेड चिली, सुर्ख मिर्च, रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, टर्मेरिक, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, पिसा हुआ धनिया, क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, कोरिएंडर सीड्स, साबुत धनिया, क्यूमिन सीड्स, जीरा, ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च, ड्राइड जिंजर, सोंठ, ब्लैक क्यूमिन सीड्स, काला जीरा, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, ब्लैक क्यूमिन, काला जीरा, पॉमीग्रेनेट सीड्स, अनारदाना, कार्डमम ब्राउन, बड़ी इलायची, ड्राई फेनुग्रीक, कसूरी मेथी, ड्राई पॉमीग्रेनेट सीड्स, खुश्क अनारदाना, फेनेल सीड्स या एनी सीड्स, कोई भी हम नाम ले सकते हैं इसका, मीन्स सौंफ, मस्टर्ड सीड्स, राई, अनियन सीड, कलौंजी, कैरम सीड्स, अजवाइन, फेनोग्रीक सीड्स, मेथी दाना, सेमोलिना, सूजी, क्लव्स, लौंग, ब्लैक पेपर कॉर्न, साबुत काली मिर्च, ग्रीन कार्डामम, छोटी इलायची, ड्राइड चिली पाउडर, ड्राइड रेड चिली, सूखी लाल मिर्च। ठीक है, काफी ज़रूर इसमें से पता ही होंगे आप लोगों को, आई होप सो, और आसान भी होगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए याद करना, ठीक? चलें, आप लोगों का आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, फिर हम अगली क्लास में डेप करते हैं। होमवर्क क्लियर हो गया था कि किस तरह से करना है हमने? जी ओके, आ गई यमुना, अब उनका ज्वाइन हुई क्लास। यमुना, हमारी क्लास एंड हो गई, आपकी अब ज्वाइन हुई है क्लास। इतने टाइम से ज्वाइन क्यों नहीं हो रही थी क्लास? बाजी मैं कब से कर रही हूँ, हो ही नहीं रही है। मैं कब से ब्रश कर रही हूँ, नेट बंद कर रही हूँ, मोबाइल ऑफ करा, रिस्टार्ट मार के खोल दिया, सब कर लिया। इतनी मुश्किल से हो रही है ये। हमारी क्लास एंड हो गई, 4 बज गए। अब चलें, बाजी आपको इतने आगे इंशाल्लाह मुंह रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी इंशाल्लाह, फिर
थोड़ी देर तक, तो फिर आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिएगा आज की क्लास। फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पर्सनल पूछ लीजिएगा, एक ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ चलें ठीक है। बाजी जो फिर आपने आज होमवर्क दिया होगा वो वो पे कर लीजिएगा ना आप, इतना मुश्किल होमवर्क नहीं है। चलें आज हमने ठीक टेंसेस स्टार्ट कर लिए हैं, है। अच्छा ठीक है भैया, आप मुझे ठीक है? रिकॉर्डिंग दे देना और जो होमवर्क होगा वो आप भेज देंगी। वो तो होमवर्क जो होगा वो तो मैं आप लोगों को भेज ही दूंगी ना ग्रुप में, थोड़ी देर में आप लोगों को होमवर्क भेज दूंगी, और फिर रिकॉर्डिंग पे आप लोगों को जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो फिर मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगी। चलें ठीक है। बाजी कब ग्रुप से में ही आ कॉल जाएगा हो लिंक। रही थी, बाजी कब से हाँ कॉल मैं बंद भी, करोगी? वो आपके मैसेजेस आ ही रहे थे, मैं बाद में देख ही नहीं पाई थी आपके मैसेजेस। नहीं बाजी कोई बात नहीं, बाजी मैंने अम्मी के मोबाइल से भी, मैंने कहा चलो अम्मी के मोबाइल में अपना कनेक्ट करके चेक करती हूँ, तो उसमें भी नहीं खुल रहा था। चले कोई बात, चलो अभी हम क्लास वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं चल है आपका सारा और मरियम? नहीं मैम। चले ठीक, क्लास वाइंड अप करते हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, والحمد لله رب العالمين, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.